स्वागत है भाई साहब, आपका नमस्कार। सबसे पहले तो एक बार आज के सेशन पर और बजट पर आपकी राय। तो आज का सेशन नारायण जी, आपको पता है कि ये जो आपके पास थोड़ी सी ईटीएफ सेलिंग है, थोड़ी नहीं का, बिकॉज ऑफ एफआईज हैविंग सम एक्सपोजर टू द यूएस एंड सम ऑफ द हेज फंड, और वो एक कंपल्सिव सेलिंग है। तो मार्केट हैज फॉलन 1100 पॉइंट्स। आपको याद है मैं लास्ट वीक तक कहता था कि मार्केट कैन हैव 1000 पॉइंट करेक्शन, बट दैट्स डन नाउ। ऐसे रिजल्ट्स मैंने बहुत टाइम में नहीं देखे और मुझे तो लगता है कि ये सब डिक्लाइंस आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, डोंट गो बाय सो मच बाय द बजट मूव्स, बिकॉज बजट कैन बी यू नो टिल यू एनालाइज द होल थिंग। तो आई वुड से बी विद क्वालिटी स्टॉक्स, इट्स अ नेसेसिटी टू बी विद क्वालिटी स्टॉक्स, और ये महीना और अगला महीना भी क्वालिटी स्टॉक्स में ही रहेगा। दूसरी बात, मेरे हिसाब से इस हफ्ते जो वॉलिटिलिटी है वो हो जाएगी, फ्राइडे के बाद मार्केट विल रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, एंड आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडिया एज सच और ऑन द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है दो तीन दिन में जो भी बॉटम बनना है बन जाएगा, और उसकी वॉलिटिलिटी पे अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ये आई विल यूज दीज फॉल्स एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टू क्वालिटी स्टॉक्स। डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज। TCS, HCL, Tech आपको बहुत महीनों से लग रहे थे और मिलने को नहीं मिल रहे, आज मिल रहे हैं आपको जो भाव पे, इनको मत छोड़िए। मुझे अंबुजा सीमेंट इस समय बहुत अच्छा लगता है, वो याद आपको 42-43 से ही घूम के 65-70 जाता है। और मुझे यहाँ पे सन फार्मा विल बी द फार्मा स्टॉक ऑफ द ईयर, और अनक्वेश्चनेबली आपको इसको खरीदना चाहिए। तो खरीदारी करने के मौके ढूंढे, हफ्ते भर की बात है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, वहां से फिर तेजी बनती हुई दिखेगी। तो भजन साहब बताएं, आज बजट के पहले क्या खरीदना है? सर TCS बजट की वजह से नहीं है, लेकिन TCS इस भाव पे आपको कहां मिलेगा जब तक किसी की जबरदस्ती सेलिंग नहीं हो। 3085-90 में लीजिए, आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 3030 का रखिए, लेकिन ये वापिस 3350-3400, जिस दिन बाजार 13850 के बंद हुआ, TCS का भाव 300-200 रुपए बढ़ जाएगा। ओके, तो TCS एकमात्र स्टॉक या और भी कुछ है आपकी लिस्ट में सर? और HCL Tech। ओके, अगर आपने लेना ही है तो आप क्वालिटी लीजिए ना, 910-12 में लीजिए, 895 का स्टॉप लॉस रखिए, ये वापस 1000 रुपए आपको भाव दिख जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, तो TCS और HCL Tech जैसे दिग्गजों में करें खरीदारी, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहें, ये है राय भसीन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से आपसे होगी मुलाकात दोपहर में बजट के बाद। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।